हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का ओल्ड हाउस में जो आने वाली स्टोरी है वो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यानी समय जेठालाल अपनी दुकान के लिए निकल चुका है एंड इस समय जेठालाल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी दुकान में आज बबीता जी आने वाले हैं। लेकिन भाई यहाँ पे इतिहास गवाह रहा है कि जब भी जेठालाल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है तो उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आई है एंड आने वाली स्टोरी में होगा भी कुछ यूँ ही। आने वाली स्टोरी में यहाँ पर बबीता जी जेठालाल की दुकान में आएंगी, लेकिन इसके बाद जेठालाल के पास एक के बाद एक रॉन्ग नंबर आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जेठालाल के फोन पर कई सारे लोग उसे धमकियाँ देते हैं कि जेठालाल ने उसके पैसे मार लिए हैं एंड जेठालाल से वहाँ पर बहुत ही अनप्रोफेशनल रवैये में बात करते हैं कि जेठालाल ने उन लोगों से रुपए उधार लिए हैं। लेकिन अगर इन सब के पीछे का मामला क्या है, यानी कि वो कौन लोग हैं जो कि जेठालाल के पास इतने ज़्यादा कॉल कर रहे हैं एंड क्या ये सभी रॉन्ग नंबर हैं? अगर रॉन्ग नंबर है तो आखिरकार इतने रॉन्ग नंबर एक ही फोन पर कैसे आ सकते हैं एंड इसमें से सभी लोग जेठालाल से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अगर चाहे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जेठालाल के पास जो कॉल्स आ रहे हैं वो सभी कॉल्स या तो उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है या फिर ये सभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जेठालाल ने किसी से पैसे उधार लिए भी होते तो उसे कम से कम याद तो होता। लेकिन यहाँ पर जो भी कॉल्स आ रहे हैं उनमें से जेठालाल को किसी का भी कोई नाम नहीं पता एंड इसीलिए वो वापस से उन लोगों से पूछता भी है कि आखिरकार वो कौन बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार आने वाली स्टोरी में कौन सा नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है एंड इस बात के पीछे का राज क्या खुलता है। फिलहाल गाइस सब बताए कि आप भी आने वाली स्टोरी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। गाइस इस बारे में आपको जो भी कमेंट्स और रिव्यूज है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।